प्रधानमंत्री के बाद किस मंत्री की होती है सबसे ज्यादा सैलरी, किसको मिलती है कितनी ताकत, हम आपको बताएंगे इससे जुड़े हर एक सवाल का सटीक जवाब। क्या इन मंत्रियों को भी देना पड़ता है टैक्स? आखिरकार प्रधानमंत्री को फैसला लेने से पहले किस मंत्री की लेनी पड़ती है सलाह? आप अखबारों में पढ़ते होंगे या फिर न्यूज चैनल पर अक्सर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री के बारे में सुनते होंगे। आपके मन में भी कभी कभार ये लालसा जगती होगी कि इनमें से सबसे बड़ा मंत्री कौन है और ये कौन सा मंत्री है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है और कौन से मंत्री को क्या कार्य करना पड़ता है। आज हम आपको इन्हीं सब प्रश्नों के एक एक करके क्रमवार उत्तर देंगे। दरअसल इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली, तो वहीं उनके साथ साथ 71 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जानकारी के मुताबिक 2024 में एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री को मिलाकर 72 मंत्री शामिल है। मोदी 3.0 में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, जिस मंत्रिमंडल में तीन तरह के मंत्री शामिल हुआ करते हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री हुआ करते हैं। तो वहीं अगर बात करें कि इन मंत्रियों में सबसे ताकतवर मंत्री कौन होता है, तो इसको लेकर संविधान कहता है कि सबसे ताकतवर मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है और फिर उसके बाद मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री हुआ करता है, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। उन्हें बाकी सांसदों की तुलना में हर महीने अलग से भत्ता भी दिया जाता है। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार तीन मंत्रियों में असल अंतर क्या होता है। कैबिनेट मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी ही हुआ करती है। संवैधानिक नियम के अनुसार कैबिनेट मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री का बैठकों में शामिल हो जाना जरूरी होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट बैठक के दौरान ही लिया करती है। इसी तरह अगला पद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का है, जो कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। इनकी भी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को ही होती है। इनके पास अपना मंत्रालय होता है, ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुआ करते। इसी तरह अगला पद राज्य मंत्री का हुआ करता है, जो कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। ये अपनी रिपोर्ट कैबिनेट मंत्री को देते हैं। जानकारी के अनुसार एक मंत्रालय में एक से ज्यादा राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री के गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी इन्हीं राज्य मंत्री के पास हुआ करती है। ये राज्य मंत्री भी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुआ करते। फिलहाल लोकसभा के हर सदस्य की सैलरी और भत्ते पहले से तय हैं, लेकिन जो सांसद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनते हैं, उन्हें हर महीने बाकी सांसदों की तुलना में एक अलग से भत्ता भी दिया जाता है। इस समय लोकसभा के हर सदस्य को हर महीने 1,00,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिला करती है। इसके साथ ही 70,000 रुपए निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपए ऑफिस खर्च के लिए अलग से दिया जाता है। इसके अलावा जब सांसद का सत्र चलता है तो 2,000 रुपए का डेली का भत्ता भी दिया जाता है। तो वहीं प्रधानमंत्री को 3,000 रुपए, कैबिनेट मंत्री को 2,000, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार को 1,000 और राज्य मंत्री को 600 रुपए का सत्कार भत्ता हर महीने मिलता है। ये भत्ता असल में हॉस्पिटैलिटी के लिए रहता है और मंत्रियों से मिलने आने वाले लोगों के आवभगत पर खर्च हुआ करता है। इस तरह एक लोकसभा सांसद की सैलरी और भत्ते मिलाकर हर महीने कुल 2.30 लाख रुपए मिला करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को 2.33 लाख, कैबिनेट मंत्री को 2.32 लाख, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 2.31 लाख और राज्य मंत्री को 2,30,600 रुपए मिला करते। तो वहीं प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, सभी को इनकम टैक्स देना ही पड़ता है। हालांकि इन्हें सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स देना होता है। इस टैक्स से जुड़े नियम के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स भरते हैं। बाकी जो अलग से भत्ते मिलते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।